एक बार देख लीजिए इस जगह को, सरयू के इस घाट को, लोगों की आस्था को। इन इमारतों के नीचे इतिहास छिपा है, भगवान राम का इतिहास, भक्तों की आस्था, केवट का प्रेम, शबरी का स्नेह, हनुमान की भक्ति, भाई की मर्यादा। लेकिन पिछले 500 सालों से सियासत की चक्की में पिसती ये अयोध्या चुपचाप अपने प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही थी। सैकड़ों सालों बाद वक्त बदला और टेंट में इंतजार कर रहे श्री राम को अपना मंदिर मिल गया। लेकिन सिर्फ मंदिर ही नहीं बना, इसके साथ ही पूरे अयोध्या को आधुनिकता और सांस्कृतिक विरासत से सजा दिया गया। अब एक बार इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझेंगे कि ये कोई सांस्कृतिक स्थल है जहां इंडियन कल्चर को स्टडी करने के लिए देश विदेश से लोग आते होंगे। लेकिन आप गलत हैं, ये कोई कल्चरल सेंटर नहीं है, ये कोई मंदिर का परिसर भी नहीं है, बल्कि ये भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस एयरपोर्ट पर प्रभु श्री राम और भारत की विभिन्न धार्मिक संस्कृतियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। इस एयरपोर्ट की दीवारों पर रामायण काल के दौरान का वह दृश्य भी दिख रहा है, जब प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या वापस आए और किस प्रकार से अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, लाखों दीपों से जगमगाती अयोध्या के सरयू घाट की वो तस्वीर जो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है, वो भी देखी जा सकती है। एयरपोर्ट का वास्तु और डिजाइन इस भव्य तरीके से बनाया गया जो इसको देश के बाकी एयरपोर्ट से सबसे खास बनाता है। यह पूरी तरह से श्री राम के जीवन से प्रेरित है। इस एयरपोर्ट पर जहां आंध्र प्रदेश की कलमकारी दिख रही है, तो वहीं ओडिशा की पटचित्र कला से भी यहां के दीवारों को सजाया गया है। इतना ही नहीं, बिहार की मधुबनी पेंटिंग भी इस एयरपोर्ट की सुंदरता में चार चांद लगा रही है। ये तो रही एयरपोर्ट के अंदर की सजावट की बात, अब चलिए आपको बताते हैं अयोध्या महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की और क्या खासियत है और किस लिए इस एयरपोर्ट की दुनिया गुणगान कर रही है। दरअसल सरकार का उद्देश्य अयोध्या को उत्तर भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बनाना है, जिससे सनातन संस्कृति की झलक पूरे विश्व भर के लोग अयोध्या के माध्यम से देख सकेंगे। ऐसे में अयोध्या के विकास के लिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की शुरुआत 65,000 स्क्वायर फीट से की गई है, जिसका प्रेजेंट पीक ऑपरेशन करीब 600 पैसेंजर का है। लेकिन जल्द ही फेज 2 के तहत इसे बढ़ाकर 5,00,000 स्क्वायर फीट किया जाएगा, जहां पीक ऑपरेशन 3,000 पैसेंजर्स का होगा। इतना ही नहीं, अभी जहां रनवे की लंबाई 2200 मीटर है, उसे फेज 2 में बढ़ाकर 3700 मीटर किया जाएगा, जहां बोइंग एयरबस 8320 जैसे विमान डायरेक्ट अयोध्या में लैंड हो सकेंगे। आपको बता दें, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या भारत की एक बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल बनने जा रही है और 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहने वाले हैं। यूपी तक के लिए अयोध्या से गौरव पांडे की रिपोर्ट।